बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शबाज, वेलकम टू आवर क्लास। आज हम ग्रेड सिक्स के मैथमेटिक्स का यूनिट फाइव पढ़ेंगे। और हमारा यूनिट क्या है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट साहब सेट है आपका। तो देखते हैं स्टूडेंट्स, नेम ऑफ द यूनिट इज सेट एंड यूनिट नंबर इज फाइव। इसका स्टूडेंट्स आर रेडी, हम एक एसओलो पढ़ चुके हैं जिसके अंदर हमने सेट के बारे में डिस्कस किया और उसके एलिमेंट एंड देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेट और हाउ मैनी मेथड टू डिस्क्राइब अ सेट। तो ये तमाम चीज़ें हम फर्स्ट एसओलो में अपना स्टूडेंट्स कवर कर चुके हैं, लेकिन आज हम कुछ सेट की टाइप्स को पढ़ेंगे, जैसे आपका एम्प्टी सेट एंड सिंगलटन, फाइनाइट, इन्फिनिट, इस तरह के, या इक्विवेलेंट सेट, इनमें क्या फ़र्क होता है और इनकी क्या स्पेसिफिकेशन या आइडेंटिफिकेशन है, स्टूडेंट्स ये पढ़ेंगे। देखते हैं अपना एसओलो। जैसे मैं बता भी रहा था स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स एंड देयर एलिमेंट्स। अब सेट कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, एम्प्टी, सिंगलटन, इक्विवेलेंट, फाइनाइट एंड इन्फिनिट सेट। तो स्टूडेंट्स ये जितनी भी टाइप्स हैं इनको हम वन बाय वन आज के अपने एसओलो में क्या करेंगे, कवर करेंगे, देखेंगे और किस तरह इनके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं। बेसिकली एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग ही सेट्स के ये नेम जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ यही नेम दिए जाते हैं थ्रू द एलिमेंट। एक है, नहीं है, या दो है, या इन्फिनिट है, तो क्या नेम दिया जाता है स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा क्या है एसओलो में। तो देखते हैं फर्स्ट आपका, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि कोई भी सेट है या तो वो फाइनाइट होगा या इन्फिनिट होगा। अब ये डेफिनेशन हम बिल्कुल पढ़ेंगे, लेकिन सीधा सीधा स्टूडेंट्स जो है वो ये है कि अगर कोई सेट, उसके एलिमेंट, उसके ऑब्जेक्ट, उसके मेंबर जो है वो काउंट किए जा सकते हैं, लिस्ट किए जा सकते हैं, तो वो फाइनाइट है। नहीं किए जा सकते तो वो अनलिमिटेड है, तो वो स्टूडेंट्स क्या हैं, इनफिनिट हैं। डेफिनेशन के अंदर सबसे पहले हम फाइनाइट की डेफिनेशन स्टूडेंट्स पढ़ेंगे। द सेट हैविंग काउंटेबल एलिमेंट्स। काउंटेबल क्या मतलब क्या कि कहीं ना कहीं जो एलिमेंट्स दिए गए स्टूडेंट्स वो हम क्या कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। कहीं लास्ट एलिमेंट हो सेट के अंदर तो ये आपका क्या कहलाएगा, फाइनाइट मेंबर, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। अगर इन्फिनिट की बात करें, इन्फाइनाइट भी पढ़ते हैं, इन्फिनिट भी पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, आप बोल सकते हैं दोनों, कोई मसला नहीं है। अ सेट हैविंग अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ एलिमेंट, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अनलिमिटेड मतलब कोई लिमिट नहीं है, इतने आपके एलिमेंट हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते, वो चलते जा रहे, नो एंड एलिमेंट इन द सेट। तो इस तरह का जो सेट स्टूडेंट्स होता है उसको क्या कहते हैं, इन्फिनिट सेट। एग्जाम्पल है, अब स्टूडेंट्स एग्जाम्पल हम वन बाय वन पढ़ेंगे और साथ ही देखेंगे कि ये एग्जाम्पल जो है क्या वो फाइनाइट सेट की है या इन्फिनिट सेट की है। फर्स्ट, सेट ऑफ सैंड्स पार्टिकल ऑन द बीच, यानी सहरा, ये वो जो समंदर का किनारा है उस पे जो रेत के क्या हैं पार्टिकल, क्या ये फाइनाइट है या इन्फिनिट है। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको कहूं कि ये जितनी मेरा हाथ है इसके अंदर जितनी रेत आती है, रेत, रेत आपको पता है जरे जरे हैं मिट्टी के, अब उनको काउंट आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते, मतलब ऐसे एक 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 करके नहीं, तो वो तो इतनी सारी, अगर हम रेत की बात कर रहे हैं तो पूरे बीच की हम बात करेंगे तो इतनी जगह पे, तो वो कैसे हम काउंट करेंगे जो पार्टिकल है सैंड के। तो इसलिए ये जो सेट है इसको हम क्या कहेंगे, ये इन्फिनिट है, यानी इसके जो मेंबर एलिमेंट हैं अनलिमिटेड है, काउंट नहीं किए जा सकते, इसलिए क्या हुआ स्टूडेंट, सिंपली बोलो बोलो, इन्फिनिट। नेक्स्ट, सिंपल है, सी में नेगेटिव वन, नेगेटिव टू, नेगेटिव थ्री एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मतलब है कि इसी तरह ये एलिमेंट चलते जा रहे, नो एंड एलिमेंट, अनलिमिटेड एलिमेंट है, सो ये भी क्या हुआ, इन्फिनिट सेट। सेट ऑफ स्टार्स इन द स्काई, जो आपके स्टार्स हैं
आसमान पे क्या उनको काउंट किया जा सकता? रात आप देखें तो इतने ज़्यादा यहाँ से नज़र आते, आप कहीं और किसी दुनिया में चले जाएं तो वहाँ भी इतने ज़्यादा नज़र आते, तो अनलिमिटेड नहीं काउंट किया जा सकते, इसलिए स्टूडेंट्स क्या हुआ, इन्फिनिट सेट। ये 1478 बस काउंट हो गए, इसलिए क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये फाइनाइट सेट। नेक्स्ट अगर 5 की बात करें तो 2468 तो 4 एलिमेंट ही है ओनली, एंड एलिमेंट भी है, इसलिए क्या हो गया, फाइनाइट सेट। इसमें एक ही एलिमेंट है तो क्या हुआ, फाइनाइट। कलर ऑफ रेनबो स्टूडेंट्स, क्या कलर ऑफ रेनबो काउंट किए जा सकते हैं? यस, 7 कलर होते हैं, इसका मतलब काउंट किए जा सकते हैं, तो ये भी क्या हुआ आपका, फाइनाइट सेट, राइट। तो सिंपली स्टूडेंट्स हमने डेफिनेशन पढ़ी फाइनाइट सेट और इन्फिनिट सेट की। फाइनाइट वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट किया जा सकता है, और इन्फिनिट में अनलिमिटेड एलिमेंट्स होते हैं या जिनके एलिमेंट्स को काउंट ना किया जा सके। स्टूडेंट हमने एग्जांपल ली और इनमें देखा कौन से जो सेट वो आपके फाइनाइट हैं और कौन से इन्फिनिट हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फाइनाइट और इन्फिनिट तो आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट चलते हैं, अब जो सेट्स की टाइप्स है, अब वो फाइनाइट हैं तो उनका मज़ीद आगे नेम दिए गए हैं, देखते हैं स्टूडेंट्स। अब पहला उनमें से है एम्प्टी, इसका दूसरा नेम नल भी है, या इसे क्या कहते हैं, वाइड, वाइड सेट। ये तीनों ही एक सेट के नेम हैं, एम्प्टी कह लो, नल कह लो या वाइड कह लो। अब डेफिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स। डेफिनेशन के अंदर अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट और नल और वाइड सेट। सिंपली वो सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता उसको क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट, नल सेट, या उसे क्या कहेंगे, वाइड सेट। वी रीड एम्प्टी सेट एज फाई, उसे फाई कहते हैं, यानी एम्प्टी सेट को, और रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल, उसको किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये बेसिकली आपका फाई का सिंबल है। ये शो करता है कि ये सेट है जो कि कोई एलिमेंट नहीं रखता, एम्प्टी सेट फाई। इन द टेबुलर फॉर्म बेसिकली आपकी करली ब्रैकेट्स होती हैं और देयर इज नो एलिमेंट इन द करली ब्रैकेट्स, राइट। तो ये भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एम्प्टी सेट को। ऐसे तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, कि जो सेट है That is collection of well defined distinct objects. यानी आपके ऑब्जेक्ट्स वेल डिफाइंड होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए, बट यहाँ तो एलिमेंट है ही नहीं है, तो फिर हम इसको सेट क्यों कहते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल के अंदर उम्मीद है कि आपका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों, जबकि कोई एलिमेंट है नहीं है तो फिर सेट क्यों कहते हैं, ये देखते हैं। एग्जाम्पल के अंदर सेट ऑफ नंबर्स ऑफ आउटकम ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 मैं रोलिंग अ डाई। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब इवेंट मौजूद है, आप लोगों के हाथ में लूडो का दाना है जिसे डाई कहते हैं, अगर आप उसे रोल आउट कर देते हैं और मैं कहता हूँ कि क्या 6 से ज़्यादा कोई नंबर हमें मिल सकता है, तो नहीं मिलेगा। क्यों? जो लूडो का दाना है वहाँ 1 से लेके 6 तक, 6 साइड होती है यानी क्यूब शेप के अंदर होता है, तो हर एक साइड के ऊपर जो है वो 1 से लेकर 6 तक जो है नंबर लिखे हुए हैं। तो हम 6 से ग्रेटर आउटकम कहें, यानी कोई नंबर आए तो वो नहीं है। अगर नंबर हैं, आपका इवेंट है, बट जब भी आप रोल आउट करेंगे तो 6 से बड़ा कोई नंबर नहीं आएगा। तो इस हिसाब से 6 से बड़े नंबर के लिए ये जो आपका इवेंट है ये क्या हो जाएगा, खाली, यानी हमें कोई भी नंबर नहीं मिलना, तो इसको क्या कहेंगे, एम्प्टी। अगर मैं कहता हूँ 2, 3, 4, 5 तो आ सकते हैं, इसलिए वो एम्प्टी नहीं हो सकते। तो ये था कॉन्सेप्ट जो मैं कह रहा हूँ कि मतलब एग्जिस्टेंस होती है, लेकिन जिस पे हम कंडीशन लगा देते हैं वहाँ वो एलिमेंट मौजूद नहीं होता, बट फिर भी वो सेट कहलाता है। नेक्स्ट, अगली एग्जाम्पल की बात करें, सेट ऑफ पियानो कीज ऑन द गिटार। अब अगर आप
गिटार की बात करें स्टूडेंट्स, तो आप जानते ही होंगे और पियानो को भी जानते होंगे, पियानो के ऊपर जितना कीबोर्ड है, इतना आपके क्या होते हैं स्टूडेंट्स, सिंपली आपके कीज होती हैं, बटन होते हैं, और जो आपका गिटार होता है उसके ऊपर कोई बटन नहीं होता। हम कह रहे हैं कि ऐसा सेट जो गिटार है उसके ऊपर पियानो कीज होनी चाहिए, तो गिटार के ऊपर तो कोई पियानो की नहीं होती, तो फिर इस लिहाज से ये हमारा क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट, क्योंकि गिटार के ऊपर पियानो की नहीं होंगी। एज देयर आर नो पियानो कीज ऑन द गिटार, सो इट इज सेट विद नो एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, एम्प्टी सेट। मैं यूं भी कह देता हूं स्टूडेंट्स कि आप अपनी क्लास में, क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं कहता हूं क्लास सिक्स के स्टूडेंट्स के अंदर आप क्लास टेन के स्टूडेंट्स का सेट बनाएं, तो क्लास सिक्स के अंदर टेन के स्टूडेंट्स जो नहीं हैं, सिक्स के बैठे हैं उनका सेट है, बट अगर टेन के स्टूडेंट्स नहीं हैं तो इस कंडीशन पे वो हमारा सेट क्या हो जाएगा, खाली एम्प्टी, ठीक है, यानी उस हिसाब से कोई भी एलिमेंट या मेंबर नहीं होगा। नेक्स्ट है सिंगल से सिंगलटन, यानी नेम से ही है सीधा सीधा, ऐसा सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होता है स्टूडेंट, दैट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट। डेफिनेशन के अंदर ऑन द सेम लाइन, द सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट आर मेंबर इज कॉल्ड द सिंगलटन सेट। जैसे मैं बता चुका हूं कि ऐसा सेट जो सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट या मेंबर होता है उसके अंदर, तो दैट इज सेड टू बी सिंगलटन सेट। फॉर एग्जाम्पल, सेट है ओनली जी है, सेट बी ओनली एट एलिमेंट है, सी के अंदर वाई है, एंड द सेट ऑफ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। अब सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ऐसे तो स्टूडेंट्स कहेंगे प्राइम नंबर तो वो तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इवन प्राइम नंबर स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एक ही नंबर है टू, ये इवन भी है और प्राइम भी है, टू के अलावा पूरे प्राइम नंबर के अंदर कोई भी इवन नंबर नहीं होता, इसको सेट के अंदर क्लोज कर लें तो एक ही एलिमेंट हुआ, सो दैट इज सिंगलटन सेट। तो ये तमाम जो एग्जांपल्स हैं ऊपर, ये आपकी क्या सिंगलटन सेट की है। इनमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये था, इवन हो बट प्राइम हो, तो स्टूडेंट्स याद रख लेना, एक ही नंबर है जिसे आप टू कहते हैं वो प्राइम भी है और इवन भी है, इसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो प्राइम हो और साथ इवन भी हो, तो सिंगल एलिमेंट निकलेगा, इसलिए ये आपका क्या बन जाएगा, सिंगलटन सेट। तो आपको प्राइम नंबर और इवन का भी कॉन्सेप्ट क्लियर। इक्वल सेट, इक्वल की जब भी बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें सेम भी होती हैं और एक जैसी भी होती हैं, तो सेट के अंदर भी यही आपकी स्टोरी है। जब आप इक्वल सेट की बात करेंगे तो दोनों सेट के अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए, यानी एक के अंदर फाइव एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में भी फाइव होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी उनकी कॉर्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। सेकंड, उनकी जो आइडेंटिटी है वो भी सेम होना चाहिए, यानी एक में अगर वन है तो दूसरे में वन एलिमेंट ही होना चाहिए। तो देखते हैं स्टूडेंट्स डेफिनेशन के अंदर, इक्वल सेट्स डेफिनेशन, टू सेट ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, यानी अगर हमारे पास दो सेट हैं ए और बी, ये इक्वल कहलाएंगे इफ के बाद, बड़ी कीमती बात होती है स्टूडेंट्स, हमेशा कंडीशन लग जाती है, ये होगा अगर ये हुआ तो, इफ दे कॉन्टेन द सेम एलिमेंट, अगर दोनों सेट जो हैं ए और बी सेम एलिमेंट रखते हों तो हम उनको क्या कहेंगे, इक्वल। फॉर इक्वल सेट इट इज कंपल्सरी दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे जाके आपने सबसेट के अंदर भी ये बात पढ़नी है। तो जब ए आपका बी का आपका सबसेट होता है और बी ए का सबसेट हो जाता है, तो इस तरह ए बी के बराबर आ जाता है, ये जो बात हम एंड पे कर रहे हैं ये बेसिकली ये है। लेकिन सिंपली स्टूडेंट्स आप लोगों ने इतना याद रखना है, एग्जाम्पल भी पहले देख लेते हैं। वी हैव टू सेट ए एंड बी आपके सामने हैं, ए के अंदर एलिमेंट हैं आपके वन टू थ्री फोर एंड बी के अंदर फोर टू थ्री वन, इसके अंदर आपके कितने एलिमेंट हुए, फोर, इसके अंदर भी एलिमेंट फोर हैं,
वन यहाँ मौजूद है तो यहाँ भी है, थ्री यहाँ मौजूद है तो इधर भी है, टू यहाँ मौजूद है तो इधर भी है, फोर है तो फोर है। इसका मतलब है दोनों सेट ए और बी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है और जो नंबर किसी एक सेट में मौजूद है वो दूसरे में भी है, यानी नंबर आइडेंटिकल भी है, सेम भी है। तो इस तरह हमारा सेट ए जो है वो बी के इक्वल होगा। तो स्टूडेंट्स वेरी इजी, आप परेशान ना हो कि ये बहुत मतलब मुश्किल डेफिनेशन है, नो। इतना ही है कि दोनों सेट हैं वो तब इक्वल होंगे, कोई भी दो सेट ले लेते हैं, जब इस सेट और ए या बी दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या होने चाहिए स्टूडेंट, सेम होने चाहिए, पहली पहली कंडीशन। और जो एक सेट में एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका ऑर्डर तो चेंज हो जाए या नहीं भी ऑर्डर चेंज, तो दूसरे सेट में भी वही एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर ऐसा है तो दोनों सेट आपके क्या कहलाएंगे, इक्वल कहलाएंगे। यानी ए के तमाम सेट जो बी में मौजूद है और बी के तमाम सेट जो हैं वो ए में मौजूद है, इसको क्या कहेंगे, इक्वल सेट। इक्वल से स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपका क्या है, इक्विलेंट। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इक्विलेंट के अंदर आपकी वन वन क्रॉसपॉन्डिंग पाई जानी चाहिए। ये नहीं है कि इक्वल आप कह दें इक्वल और इक्विलेंट सेम नहीं है, बहुत फर्क है इन दोनों के अंदर। देखते हैं स्टूडेंट डेफिनेशन से आपको क्लियर होगा। टू सेट्स कंसीडर इक्विलेंट इफ दे हैव सेम कार्डिनैलिटी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मीनिंग दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। अब बेसिकली ये है कि अगर एक एलिमेंट, एक जो सेट है उसके अंदर पांच एलिमेंट हैं और दूसरे सेट के अंदर भी फॉर एग्जांपल पांच एलिमेंट हैं, तो ही हम उनको क्या कहेंगे, वो इक्विवेलेंट है। बट कंडीशन नहीं है कि एक एलिमेंट, एक सेट के जो एलिमेंट है ऑन द सेम लाइन दूसरे में होने चाहिए। अगर सेम एलिमेंट हैं और उनकी आइडेंटिटी भी सेम है तो फिर इक्वल बन जाते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट में कंडीशन नहीं है कि दोनों सेट के एलिमेंट सेम होने जरूरी नहीं है। ऑफ एलिमेंट तो सेम हो बट एग्जैक्ट एलिमेंट सेम होना जरूरी नहीं। अगर ए को देखा जाए एग्जाम्पल के अंदर वन टू थ्री फोर, यानी इसके अंदर फोर एलिमेंट है। बी को देखा जाए ए बी सी डी, फोर एलिमेंट है, तो एलिमेंट इसमें भी फोर और इसमें भी फोर। कॉर्डन आपके जो ये लफ्ज है कॉर्डनैलिटी, कॉर्डनैलिटी स्टूडेंट्स यही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, तो फोर इसमें फोर इसमें, तो इसलिए ये आपका क्या है, दोनों सेट इक्विवेलेंट हैं। तो इक्विवेलेंट में आप ये टिल्ड साइन डालते हैं, ए इक्विवेलेंट टू बी पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखें इधर वन है तो वन के क्रॉसपॉन्डिंग ए है, टू के क्रॉसपॉन्डिंग बी है, थ्री के क्रॉसपॉन्डिंग सी है और फोर के क्रॉसपॉन्डिंग डी है। तो ए जो है वो देखें वन तो नहीं है बट क्रॉसपॉन्ड कर रहा है, यानी जितने एलिमेंट इसमें हैं इतने एलिमेंट उसमें हैं, तो इसलिए ये आपका स्टूडेंट्स क्या हो गया, इक्विवेलेंट। ऑल द एलिमेंट इन द सेट ए आर नंबर्स एंड द एलिमेंट इन सेट बी आर द लेटर्स, बोथ सेट कंटेन द फोर एलिमेंट, देयर फोर सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट। सिंपली हम कह रहे हैं कि दोनों जो सेट हैं उनके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, चाहे एक में आपके क्या हैं नंबर्स हैं और दूसरे सेट के अंदर क्या है इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, बट दोनों में फोर फोर तो ये इक्विलेंट है। इक्वल में यही फर्क है कि दोनों के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, यानी इधर ए है तो वहाँ ए हो, बी है तो बी हो, सी है तो सी है, लेकिन यहाँ ये कंडीशन नहीं है। मतलब अगर एक सेट में 100 एलिमेंट है और दूसरे में भी 100 एलिमेंट है, चाहे एलिमेंट चेंज हैं वो इक्विलेंट होंगे, इक्वल नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट्स अगर हम होमवर्क की बात करें तो एक्सरसाइज आपकी 5A क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, ये हमने जो टाइप्स ऑफ द सेट पढ़ा है उन्हीं की आइडेंटिफिकेशन है और आप लोगों ने इस होमवर्क को ज़रूर करना है। अगर रिसोर्सेज के स्टूडेंट्स बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज़ द वर्कशीट एंड सेकंड वन इज़ द क्वेश्चंस बैंक एंड थर्ड वन इज़ लेसन प्लान एंड द फोर्थ वन इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, स्टूडेंट्स जो लेक्चर में आपको डिलीवर कर रहा हूँ। ये था आप लोगों का आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक सेट के जो एलिमेंट होते हैं उनके हिसाब से कैटेगराइज किया कि सेट को डिफरेंट टाइप्स के अंदर कैसे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर चाहे वो आपका नल था, फाइनाइट, इनफिनिट, सिंगलटन, इक्वल या इक्विवेलेंट,
ये तमाम कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स हमने अपने आज के सेशनों में क्लियर किए। मैं पूरी उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों ने ये तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर भी किए होंगे और अब आज के बाद एटलीस्ट जो SLO है हमारा सेट के टाइप्स के अकॉर्डिंग ये आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फ्रॉम माई साइड।